हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम बशीर। सो गाइस, भारत का आज लोंगे वाला का एक मकाम हम देखने लगे हैं, जहां पर पाकिस्तान मतलब वेपन्स आज भी पड़े हुए हैं। वो जंग के दौरान के वेपन्स जो छोड़ गए थे, या तो मतलब आपको पता है जंग हो गई थी तो उधर हमारे वेपन्स तबाह कर दिए गए थे, काफी सारा नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, तो उसके वेपन्स अभी भी पड़े हैं। तो वो इंडियन हैकर का वीडियो काफी लोग कह रहे थे बोल लेकर आओ दिलराज भाई का, मिस्टर इंडियन हैकर का, तो ले आए। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भैया इसे कहते हैं असली रोड, गिलगिली वाला रोड। ये रोड ऐसे सांप, वो कहते हैं सांप बना दो, सांप बना दो। यहाँ तो रोड है सांप बनी हुई है, सामने देखो गाड़ी ऐसे जाती है ऊपर से नीचे दम 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 दम, और गिलगिली चलती है खतरनाक वाली। और गाइस अच्छा भाई, ये देखो अभी आने वाले जैसलमेर रोड पर कुछ ही देर बाद में। और ये देखो यार, पूरा यहाँ का इलाका बिल्कुल सुनसान है, इधर कोई भी नहीं है यार। ये तो वो छालिया चल रही है, छालिया पता नहीं कौन चला रहा है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी पीकर शराब ना चलाए, और आगे वो गिलगिली वाली रोड फिर से आगे की के शराब में चला रहा। रोड मस्त है इधर यार, रोड एक नंबर है। बारिश नहीं होती ना तो खराब भी नहीं होती। अब अपने इधर तो क्या, बारिश ज्यादा होती है गड्ढे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, डेजर्ट के बीचों बीच रोड बस गिलगिली चली गई फिर से। सामने देखो कुछ नहीं दिखता, सामने आगे की तरफ एकदम से, और फिर एकदम से ही रोड आ जाती है। अच्छा कर लो मस्त लेकर जा रहे हैं गाड़ी। यार इधर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मंदिर तो है, लेकिन मंदिरों में एक मतलब एक फर्क है। मतलब अपने उधर माँ जगदम्बा का मंदिर है, जैसे हमारे उधर माँ जगदम्बा देवी का मंदिर है, उसे वहाँ कहते हैं माँ जगदम्बा, लेकिन इधर उसका नाम जगदम्बा ना हो के जगतम्बा है। ये क्या सीन है? ये तो गाइस बोर्ड लगा हुआ है, तो जो लोंगे वाला है वो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। जी हाँ गाइस, और यहाँ से आप जा सकते हैं। देखो तन्नोट के लिए भी रास्ता जाता है, रनोतोर रनोतार के लिए भी, किशनगढ़ के लिए भी, असुतार बांधा, ये पता नहीं कौन कौन सी अजीब सी जगह है। तो ये एक चौराहा है, मतलब जगह है। लोंगे वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल सीधा है, ये देखो पूरा सर्कल बना हुआ है चौराहा। तो अपन लोंगे वाला जा रहे हैं, लोंगे वाला बॉर्डर यार। मस्त रोड है यार, रोड है यार, सही अलग है। रोड सामने देखो कितनी जोरदार है, पूरा देखो चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैक रोड है। हाँ भाई, लगता है फुल नया रोड बने हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है ना, मस्त रोड है। रोड कैसा है? प्यारा रोड है, रोड है फुल। यार बात है बॉर्डर है, तो इधर ज्यादा आर्मी रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी को। ये देखो वेपन पड़े हैं, अच्छा बड़े लोग देखने आते हैं। गोरखा कोई मद्रासी सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये 10 लाख की बात है। यहाँ से फायरिंग होती है। ओ भाई ये जो लगती है यार, ना यहाँ से फौजी फायरिंग करता है, ये जो छोटे छोटे छेद है ना इनसे बंकर बोलते हैं। इसमें से चलते हैं। हाँ यार बंकर, और ये कोटड़ी जोरदार है, आजा कोटड़ी अंदर से दिखा। चार फौजी, चार फौजियों के लिए। चलो चलो आगे मशीन गन, चल चल हेलीपैड भी है यार, मशीन गन और दुश्मनों को बर्बाद कर भैया। ये है तो जंग के अंदर तोपे, अभी काम में ली गई, लेकिन जंग इतनी खतरनाक हुई, जंग खत्म हो गई लेकिन तोपे यहीं पे रह गई। देखो भाई इसको चीज तरीके की होती है तोप, जो कि जंग के अंदर इस्तेमाल ली जाती है। हम ऐसे घूमने आए थे तो सोचा आपको भी ये तोप दिखा दे, क्योंकि ओ ये घुमाने का है। इसका घेर देखो यार कितना बड़ा है,
और भी यहाँ पे एक और चीजें जो कुछ और चीजें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें तो वो बोले की नाल भाई कैनन ये अपने वाले कैनन से भी बड़ी टैंकर वाली। किसी टाइम पे ये देखो इधर युद्ध हो रहे थे प्रताप कैसे चलती है और आज देखो भाई हाँ क्या एमआरएफ का काम करता है ऊंचा हो रहा था देख ऊंचा करियो ऊंचा करियो देखो ये कैनन निशाना निशाना लगाने के लिए बिल्कुल जैसे जैसे घुमाते ना अपन ये ऊपर नीचे होती है लगा चालू कर बूम भगवान था सेट है पूरा पता नहीं कौन सा डेज बताना यार ये हां पाकिस्तान वाले का ये देख पाकिस्तान वाले का भाई अभी भी तैयार है टैंक पूरा हां असली लाले असली टैंक है असली लोंगिया वाला ये भी जो है ये तो बना वाला भाई इधर से ना बस वीरु ये पानी की बोतल नहीं वो है पानी की बोतल वाली पानी बोतल ये क्या है ये लैंटर नहीं है ये उसका जो है चीज है ये कंपास कंपास ये तो खैर और ये हमारे सारे फौजी भाई जिन्होंने लड़ाई की थी काफी सारी ये मतलब ये विक्ट्री का सारा नंबर बनाया टैंक ऊपर बैठा तस्वीरें बनाई सुबह सुबह ये दूरबीन ये क्या हेलमेट ये कंपास और ये लेवल वन का हेलमेट अच्छा लेवल वन और ये सारे मेडल वगैरह जो उनको मिले हैं जी ना बिल्कुल और ये पूरा म्यूजियम है इधर आ अब ये वाली गन देख ये वाली कौन सी म्यूजियम फुल भरा हुआ है भाई ये वाली तो मतलब पाकिस्तान से चीज है ये दूरबीन का कलर है चीजें उन्होंने इस्तेमाल की थी ये कंपास वो सब कुछ है और जो इंडियन इस्तेमाल की थी वो भी हां ये वो जो टॉप में चलता ना बोला शेल हां उसके पीछे का शेल गन का नाम है टैंक्स वगैरह गाड़ियां वगैरह ये पाकिस्तान से ये मैंने वो गेम में खेल रखी है बैटल फील्ड में ये रेडियो है ये मोबाइल फोन रेडियो है जो और इसमें खाना खाते थे इसमें मैंने खाना खा रखा है इसमें खाना खा रखा है हां मैंने खा रखा है और ये कोई लैंटर्न है बिजली द्वारा इलेक्ट्रिक लैंटर्न है भाई ये बड़े कंपास भी सेम चीजें रखी हुई है और ये गन्स ये ओरिजिनल है क्या या डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल लग रही है मेरे को ओरिजिनल है ओरिजिनल साथ लग इधर सारा ओरिजिनल ट्रॉफीज वॉर ट्रॉफीज है ये उनसे रह गई अंदर चल अंदर तो ये नेक्स्ट रूम है ये गन ओ भाई राइफल है ये तो बंदूक आवाले की है और ये वो है ना ये माइंस वगैरह ये शेल है हाँ मशीन गन नहीं है हाँ मशीन गन ये वाला जो लिखा हुआ है ना मशीन गन साथ हाँ मशीन गन एक साथ छोटा होगा एक साथ 100 200 एक साथ ये देख बुलेटिंग की गोलियाँ भी कैसी होती थी यार गोलियों से डिजाइन कैसे की ये गोलियाँ चलो कर अरे डबरे थोड़ा तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो ब्लूट्स है ये ब्लूट्स है ब्लूट्स नहीं बुलेट 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 ये माइंस है इनबाउंड है और ये दूरबीनें वगैरह है तो भारी हो गया था ये माइंस ये हमारा वन मैन आर्मी में ये माइंस शहीद हो गए थे ये उनके शैल है
और ये जो ये हमारे नाम क्या है इनका, धर्मवीर सिंह जी, धर्मवीर सिंह। जगजीत सिंह, जगजीत सिंह गोले का राउंड करते थे। और ये तो बहुत पुरानी तोप है, इसकी डिजाइन बना गई है, यहाँ देख सकते। ये देखने थे, ये जो छह सारी गोलियों के वो है, नहीं नहीं ये वाली गन तगड़ी है यार। उस टाइम वेपन भी भाई क्या चीज है, कब भी मौजूद है और तो बड़ा जल्दी डेड हो जा रही। काफी टाइम गुजर गया यार। हां भाई, लेकिन वही बात है कि ये अभी जहाजों का कुछ बताया किसने सुना भाई। यहां से फायरिंग हुई थी, यूं टैंक गायब, टैंक आए थे उसके ऊपर फायरिंग की थी। ये नक्शा पूरा बयान किया, ये अपने टैंक किस तरह लोकेशन, ये इंडियन साइड थी और वो वहाँ पर वो जीप वगैरह, फौजी वगैरह, वो वाली जीप और वो सब यही है। और ये आउट ऑफ म्यूजियम, ये अभी नया बनाया है, देखने लायक चीज है। सारे टैंक पड़े हैं, ये देखो ये एक टैंक खड़ा है, ये टैंक खड़ा है और ये एरोप्लेन पुराना टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये टैंक है, ये एरोप्लेन जेट है पूरा। और ये फुल मतलब एक वो नक्शा दिया है, नक्शा बयान किया है इस तरीके से। हाँ, बढ़िया चीज है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये थी वो वीडियोस, मतलब इस तरीके से देखा जाए तो हुए थे युद्ध यार, जो कि हम कहते हैं फिर कभी भी ना हो, कभी भी ना हो, क्योंकि युद्ध बड़ी गंदी चीज है। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था और ये वेपन जो थे मतलब रह गए थे। जाहिर बात है युद्ध में जब वो खत्म हुआ था तो तबाह कुछ पूरे मतलब जो सही हालत में वो रह गए थे। जाहिर बात है जब तबाह बिल्कुल हुआ, लेकिन ये वो जगह थी जिधर भारत ने भी एक बड़ा म्यूजियम बनाया हुआ है। हाँ। और ताकि लोग अभी आए और देखें, देखे वॉर ट्रॉफी जो जो मतलब भारत ने उधर रखी है। बिल्कुल, तो ये थी भाई सीन सारा। वैसे आज वो नए नए उस टाइम टैंक रह गए थे भाई, देखा जाए तो ये अभी भी नए हैं, देख लो ऐसा लगता है। सही बात है। और उसको तो गाइस ये कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताना, इस तरह की और वीडियोस हो तो बताना अपना बहुत ज्यादा।